हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है जो मैंने पिछले 8 मंथ्स में अपने ऊपर काम किया, एक ऐसी नई चीज जो मुझे क्रिएट करनी थी, एक ऐसा नया बिजनेस जो मुझे स्टार्ट करना था, जो हमेशा से मेरे मन में था। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें लाइफ में आपको ऐसी चीजें सिखा जाती है कि आप आगे बढ़ने से फिर खुद को रोक नहीं पाते। तो ये ऑफिस मैंने अभी रेडी किया है और इस ऑफिस में क्या करने वाले हैं हम, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन, तो ये आप लोगों को मैं सब दिखाने वाला हूँ। पूरे अपने ऑफिस का टूर देने वाला हूँ कि ऑफिस में हमने क्या क्या चीजें करी है, ऑफिस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे हम इस ऑफिस को ऑपरेट करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो और मेरा नया बिजनेस क्या होने वाला है, तो इस बारे में सारी बात करेंगे आज हम। हर जर्नी काफी मुश्किल थी, काफी टाइम लगा, काफी चीजें सोची, काफी मेहनत लगी, लेकिन अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूं जिनको आप बाय कर पाओगे और काफी हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं जिनको आप एंजॉय कर पाओगे और अपनी डेली लाइफ में, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको सब दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूंगा ऑफिस टूर। तो ऑफिस टूर में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना ऑफिस, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करने वाले हैं। अरे क्यों खड़क रहे, पता नहीं है क्या खड़क रहा भाई, क्या कौन है भाई अंदर, और कहां कहां पे हमारी टीम बैठने वाली है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ऑफिस को फाइनल करते वक्त यार हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। कभी लोकेशन की दिक्कत आ रही थी, कभी ऑफिस के अंदर की दिक्कत आ रही थी, कभी भाई बजट इश्यू हो जा रहे थे, कभी बजट से बाहर जा रही थी चीजें। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि यार सोचा कि यार अभी इस प्लान को ना स्किप ही करना पड़ेगा क्योंकि बजट भी इशू आ रहा था। और गाइस, इस ऑफिस को फाइनल करने से पहले मैंने एक और ऑफिस फाइनल कर दिया था जिसके अंदर भाई 2 लाख रुपए मेरे लग गए थे और उस ऑफिस को कैंसिल करना पड़ा और भाई मेरे 2 लाख रुपए भी उसके अंदर अटक गए थे। यार देखो, बुरा तो लगता ही है, सब कुछ फाइनल होने के बाद ऑलमोस्ट प्लान मेरे को ड्रॉप करना पड़ा तो यार बहुत बुरा लग रहा था अंदर से। लेकिन मम्मी जी ने बोला कि एक बार ना किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख कि क्या आपका कोई सोल्यूशन निकल के आए। और गाइस, मैंने ना ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था तो सोचा भाई ठीक है चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, मम्मी जी कह रहे हैं तो। और तब मैं मिला संगीता जी से एस्ट्रोटॉक ऐप पे और उन्होंने भाई लिटरली मेरी ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो गाइस, जब मैं उनसे बात कर रहा था ना तो उन्होंने मेरे से मांगा मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम, और जैसे मैंने उनको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दिया ना भाई, उन्होंने मेरे को सीधा ही बोल दिया कि कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई बिजनेस की टेंशन हो रही है। और भाई मैं एकदम ही ना भाई शोक हो गया। गाइस, मैं तो जीरो एक्सपेक्टेशंस लेके ना उनसे चैट कर रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने ये बोला ना भाई, मेरा संगीता जी और एस्ट्रोटॉक ऐप पे भाई पूरा ट्रस्ट हो गया। तो गाइस, मैंने उसके बाद उनको सब कुछ बताया और एक्सप्लेन किया कि मेरे को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने सब समझा और मेरे को बताया कि आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उन्होंने मुझे 2 सॉल्यूशन बताए और बोला इनको 9 दिनों तक कंटिन्यूअसली फॉलो करो। और उसके बाद गाइस, मुझे नहीं पता कि कैसे चीजें चेंज हुई, बट चीजें चेंज हुई और उन्होंने मुझे डेट्स बताई कि आपको कब ऑफिस फाइनल करना चाहिए और उसके बाद उन्हीं की बताई डेट्स पर मैंने अपना स्मूथली ऑफिस फाइनल कर दिया। तो गाइस, प्रॉब्लम्स जो है ना वो सबकी लाइफ में आती है, ऐसा नहीं कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई सबकी लाइफ में होती है, किसी की पैसों को लेके, किसी की रिलेशनशिप को लेके, किसी की अपने करियर को लेके, किसी के बिजनेस को लेके। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए कि आपको भी कोई सोल्यूशन या सलाह मिल जाए। गाइस, मैं एक काम कर देता हूं, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो और पहली चैट आपको फ्री में भी मिल जाएगी। तो चलो अब करते हैं ऑफिस टूर। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपने मेन ऑफिस से जहां पर मैं बैठने वाला हूँ, और सबसे ये है हमारी मास्टर चेयर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पर कुछ सामान ना भाई सेकंड हैंड भी खरीदा है क्योंकि यार बजट का भी थोड़ा इश्यू था, लेकिन बिल्कुल नए जैसा है। तो भाई यहाँ पर है अपनी चेयर, यहाँ पर है सारा सिटिंग एरिया जहां पर बैठ के मैं हर चीज को टैली करूंगा, यहाँ पर लगाया मैंने कंप्यूटर और अभी ये देखो यहाँ पे मैं अपने ही व्लॉग्स देख रहा था यार। तो ये है पूरा ऑफिस का लुक, यहाँ पर देख सकते हो हमने फैन लगवाया है जिसके अंदर फैन भी है, लाइट्स भी है। और ये छोटा सा एक एरिया दे दिया कि चलो यार मुझे बैठ के यहाँ पर कुछ खाना वाना है तो मैं खा भी सकता हूँ, और कोई आता है तो उसको भी यहाँ पे बिठा के, दो लोगों का एरिया ये भी तो उसको भी खिला सकते हैं। दूसरी चीज ये यहाँ लगे हैं सारे सीसीटीवी क्योंकि यहाँ पर हम जो है सब चीजें देखते रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, बाहर गाड़ी ठीक है नहीं है। अब चलते हैं अंदर की ओर। और गाइस, ऑफिस से बाहर निकलते ही ये एरिया आ जाता है जहां पे हम लोगों ने ये बनाया है। तो यहाँ पर है भाई छोटा सा एरिया अपना, तो ये रहने वाला है थोड़ा सा एडिटिंग रूम, मतलब कि यहाँ पर जो है मैं पर्सनल चीजें भी करूंगा जैसे कि व्लॉग्स हो गए, रील्स की एडिटिंग हो गई, तो यहाँ पर एक दो लोग बैठ के अपना एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो ये पर्सनल एरिया है। और यहाँ पे कुछ प्रिंटर विंटर बनाया है, कुछ भी प्रिंट आउट निकाला है हम लोगों को, तो वो भी यहीं के यहीं निकल जाएगा। गाइस, यहाँ पर मैंने बनवाया है छोटा सा एरिया थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, तो जैसे हमारे पूरे प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे ऑनलाइन आने के लिए तो कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले में कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो खाली छोड़ दिया यहाँ पे स्लो, और ये काफी मस्त बने हैं भाई, और सब चीजें ना भाई A1 क्वालिटी के है।
अब दिखाता हूं मैं आपको पूरा इंटीरियर जो हमारे ऑफिस का है, जहां पे सब चीजें बैठ के टैली की जाएंगी। तो सबसे पहले ऊपर का एरिया देख सकते हो, जहां पर जो है ये लाइट्स मैंने इस तरह से लगवाई है, देखो। तो भाई देख सकते हो कैसी लग रही है, बताना। ये बंदर भी लटकाया भाई, ये हृदय को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे से यहाँ पर जो है कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जिसके अंदर भाई हम पूरा वेबसाइट को मैनेज करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ, और कुछ लिमिटेड ही जो है वो ऑनलाइन आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भी आप लोग देखोगे ना भाई, जो अपनी वेबसाइट पे आने वाले हैं, वो बहुत ही फाड़ होने वाले हैं, बहुत ही मस्त होने वाले हैं और हायर क्वालिटी में होने वाले हैं। यहाँ पर पूरा एरिया दिया गया है कुछ बैठ के बात करने के लिए। कुछ चीजें देखो यार, ये एक डैमेज आ गई थी चेयर, तो इसकी हालत थोड़ी खराब है। तो ये यार, ये जो प्रोजेक्ट था ना मेरा भाई, ये था मेरा एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट। मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे खुद का कुछ ऐसा करना है, मुझे खुद का कोई ऐसा बिजनेस करना है कि भाई जिस फील्ड से हूं मैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही भाई मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल लाइन, ईयरफोन, चार्जर, डाटा केबल, मैंने सब बेचा है, फोन बेची है इतने टाइम तक। तो यार मुझे ये था कि यार कुछ तो शुरू करना है। और जीवन में ऐसी जब परिस्थितियां आती है ना, जब आपको समझ आता है, जब मेरे पूरे 8 मंथ्स तक YouTube मेरा बंद था, तो मुझे समझ आया कि मेरे पास और बिजनेस क्या है, और मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, मैं तो अपनी सारी अर्निंग जीरो करके बैठ गया हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए आपके पास, जो ऑफलाइन भी आप करते हो, ऑनलाइन भी करते हो। अगर भगवान ना करे कल को कुछ भी हो जाता, जैसे मैंने तो खुद छोड़ दिया, बट कभी किसी वजह से YouTube मेरे को बंद ही हो जाता है YouTube, तो भाई मैं क्या करता उस टाइम पे, फंस जाता भाई। तो इसीलिए अभी एक नया चीज स्टार्ट करी है, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत जल्दी सुपर सून मेरी आने वाली है एक फिटनेस वेबसाइट, जिसके अंदर हम बहुत लो बजट के अंदर किड्स प्लान, बड़ों का प्लान, डाइट प्लान, कि मैंने कैसे जो है अपना ये 8 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे मैं दाल चावल घर का खाना खा के इतना मेंटेन रहता हूं। अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरी पहले की फोटोज, पहले की वीडियोज, मैं यहां दिखा दूंगा, इतना मोटा था मैं, तो कैसे मैं इन चीजों को भी मेंटेन करके चल रहा हूं। तो बहुत जल्दी वो वेबसाइट भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूं, और इतने कम प्राइस में होगी ना वो, कि आप अपने बच्चों को कोई भी उसको इजीली मतलब ले सकता है, सब्सक्रिप्शन उसका कोई भी ले सकता है। छोटे बच्चों को आप फिट रख सकते हो, घर में फिट रह सकते हो, बुजुर्गों को आप कैसे फिट रख सकते हो, और जिस चीज को मैं बहुत एनालाइज कर रहा हूं पिछले 8 महीनों से, और सोल्यूशन क्या है, बच्चों को आप कैसे खाना खिला सकते हो, तो ये सब चीजें। तो अभी इसी की बात करते हैं जो चीजें हम कर रहे हैं। और गाइज, ये है मेरा बहुत ही स्वीट सा, प्यारा सा, माई पर्सनल फेवरेट ऑफिस। ये है बिल्कुल सेपरेट, जहां पर बैठ के हम अपनी पर्सनल रील्स, अपनी पर्सनल बातें, सारा कंटेंट, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटनेस भी शुरू करने वाले हैं, और एक ऑफलाइन बिजनेस भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो 3-4 चीजें कोशिश है, सिर्फ कोशिश कर सकता है इंसान। देखो, चलना ना चलना भगवान के हाथ में होता है, और कुछ आप लोगों के हाथ में होता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, प्यार दिखाओगे, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा भाई, कि जो चीज वर्थ इट होगी सिर्फ वही हम सेल करेंगे, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे वो आपकी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मैं बनाऊंगा। तो अभी दिखाता हूँ ये ऑफिस। तो यहाँ पर बहुत ही कोर्ट, देखो यहाँ के कोर्ट कितने तगड़े हैं। पुश योरसेल्फ, आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप सुबह आते हो ना, और आप इनको देखते हो, आते ही पढ़ते हो, तो भाई एक अलग ही मोटिवेशन होता है। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, मतलब कि आपके लिए कोई और नहीं करेगा यार, करना आपको है। मैं आपको सच बताऊं, ये पूरे 8 महीनों की लड़ाई ना मेरी, जितनी भी थी, ये मैंने सिर्फ अकेले लड़ी है भाई, कोई नहीं आएगा। देखो, मॉरल सपोर्ट देने आ जाएंगे लोग, कह देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, साथ वाले कह देंगे कि सब ठीक हो जाएगा। जो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा लाइफ में, जो पैसा आपका जाएगा, जो पैसा आपका लगेगा, तो आप कहां से लाओगे पैसा? सिर्फ कोई आपको मॉरली कह देगा कि भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा कहेगा कि भाई अगर आपका 1 करोड़ लग गया, 2 करोड़ लग गया, कि भाई ये ले मेरे से ले ले, किसी का भी कुछ भी लग गया, मतलब एक अमाउंट कि 5,000 भी कोई देता आके कि भाई मेरे से ले ले। तो ये लाइफ है, और मोटिवेशन आपको खुद से ही लाना पड़ता है। तो द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ऐसे कुछ कोट्स लगा रखे हैं, देखो, तो ये कुछ मोटिवेशन कोट्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो मैंने ये लगा रखे हैं। दूसरा, ये चेयर है जहां पे हम बैठेंगे भाई, और काफी अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ के। तो अभी ऑपरेशन हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, वेबसाइट पे कब से प्रोडक्ट्स आएंगे ये सब अगली वीडियो में मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा, या नेक्स्ट इस ऑफिस से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को मैं सब कुछ उसके अंदर बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हम लॉन्च करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, और फिटनेस वाली वेबसाइट कब आने वाली है, ऑफलाइन जो चीजें आने वाली है वो कब आने वाली है। तो ये व्लॉग नहीं था आज का, ये एक छोटा सा
मेरा ऑफिस का टूर था, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा। तो बस ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, बाकी तो ब्लॉग आ ही रहे, देखते रहो और हर ब्लॉग के अंदर कमेंट कर दिया करो यार जो भी पार्ट अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।